जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कई अलग अलग तरह की गाड़ियां दिखाई देती है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि उन गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है वो भी कई अलग अलग तरह की होती है। हम में से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ सफेद रंग की और पीले रंग की नंबर प्लेट ज्यादातर देखी होगी, पर ऐसे कई और भी कलर की नंबर प्लेट होती है जिसका मतलब भी अलग अलग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे कि गाड़ियों में कितने कलर की नंबर प्लेट होती है, उन अलग अलग कलर का मतलब क्या होता है, इन नंबर प्लेट के लिए जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो किस तरह के हैं, नंबर प्लेट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, और आपको भी कई नई चीजें जानने को मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम भारत में जो 7 अलग अलग कलर की नंबर प्लेट होती है उसका क्या मतलब होता है उस बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है लाल कलर की नंबर प्लेट। तो इस लाल रंग की नंबर प्लेट का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति और भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनकी गाड़ियों में किया जाता है, और इस तरह की गाड़ियों में लाइसेंस की संख्या की जगह पर भारत के प्रतीक यानी एम्बलम ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आप भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी देखोगे तो उसकी नंबर प्लेट का कलर सफेद ही होगा। सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों की गाड़ियों में ही लाल रंग की नंबर प्लेट दिखाई देगी आपको। दूसरी है नीले यानी ब्लू कलर की नंबर प्लेट। ब्लू यानी नीले रंग की नंबर प्लेट एक ऐसे वाहन को मिलती है जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी जब भारत के बाहर से लोग आते हैं और अपनी खुद की गाड़ियों में वो भारत के अंदर घूमते हैं उन गाड़ियों में ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है, और ब्लू कलर होने के कारण इनकी नंबर प्लेट पर काले रंग की जगह पर सफेद रंग से नंबर लिखा जाता है, और इनकी नंबर प्लेट पर प्रदेश के कोड की जगह पर जिस देश की ये गाड़ियां होती है उस देश के कोड को लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कौन करता होगा, तो इस प्रकार के नंबर प्लेटों का प्रयोग विदेशी दूतावासियों या फिर विदेशी राजनयिकों द्वारा किया जाता है, यानी ये गाड़ियां फॉरेन एम्बेसी की होती है। तीसरी है पीले रंग की यानी येलो कलर की नंबर प्लेट। अगर किसी गाड़ी में पीले रंग की नंबर प्लेट हो और उस पर काले रंग से नंबर लिखे हो तो समझ लेना कि यह कोई कॉमर्शियल गाड़ी है, जिसे हमारी सरकारी भाषा में वाणिज्यिक वाहन कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल कमर्शियल ही होता है। तो इस तरह की नंबर प्लेट आपने ट्रक, टैक्सी, बस, ओला, उबेर जैसे कई वाहनों में देखी होगी, जिन वाहनों का काम सवारियां ढोने का या फिर माल सामान की सप्लाई के लिए होता है। अब यहाँ पर नई बात यह है कि पीले रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाने के लिए आपके पास इसका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, इसके बगैर ये नियम तोड़ना समझा जाएगा, जिस कारण आपका चालान भी काटा जाएगा। उसके बाद है काले रंग की यानी ब्लैक कलर की नंबर प्लेट। यदि कोई नंबर प्लेट काले रंग की है और उस पर पीले रंग से नंबर लिखा गया है तो इस प्रकार के वाहनों का मालिक एक साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन इन गाड़ियों का प्रयोग कमर्शियल उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, और इस प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइवर के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे भारत के कुछ बड़े शहरों में जूम कार की जो सुविधा है वो इसी का उदाहरण है। अगर आपने जूम कार का इस्तेमाल किया होगा तो आपको इस बारे में पता ही होगा कि गाड़ियां तो उनकी होती है लेकिन इसका ड्राइविंग आपको खुद ही करना पड़ेगा, इस कारण इसमें कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद हमारी अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट यानी सफेद व्हाइट नंबर प्लेट। अगर किसी गाड़ी में सफेद रंग की नंबर प्लेट पर काले रंग से नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि वो गाड़ी एक साधारण इंसान की है, कॉमन मैन की गाड़ी है। सफेद नंबर की प्लेट वाली गाड़ियों के लिए एक नियम यह होता है कि इस तरह के वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए यानी सवारियां ढोना या माल सामान की सप्लाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा करना कानूनन गलत है। इसके बाद है हरे रंग की यानी ग्रीन कलर की नंबर प्लेट। यह नंबर प्लेट अभी कुछ समय पहले ही लाई गई है, जब से हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन चलन में आया है उसके बाद इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल दुनिया भर की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो इस कारण हमारे भारत के सड़क मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक परिवहन वाहनों के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट निर्धारित की है, जिसमें नंबर प्लेट का बैकग्राउंड हरा यानी ग्रीन कलर का होगा और इस पर वाहन की श्रेणी के हिसाब से पीले अथवा सफेद रंग से नंबर लिखे होते हैं। अगर वाहन खुद के लिए यानी पर्सनल है तो सफेद रंग से नंबर लिखा होगा,
और अगर यह इलेक्ट्रिक वाहन कमर्शियल वाहन है तो उस पर पीले रंग से नंबर लिखा होगा। और आखिरी तरह की नंबर प्लेट जो है उसमें एरो होता है, जिसे एरो नंबर प्लेट कहते हैं। इस बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तो किसी भी अन्य लाइसेंस नंबर प्लेट के विपरीत हमारी भारतीय आर्मी के व्हीकल जो होते हैं यानी सैन्य वाहनों के लिए एक अलग तरह की नंबरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इन सैन्य वाहनों के नंबर को रक्षा मंत्रालय यानी नई दिल्ली के द्वारा आवंटित किया जाता है। ऐसी गाड़ियों की नंबर प्लेट में नंबर के पहले या तीसरे अंक के स्थान पर ऊपरी ओर इशारा करते हुए तीर का निशान होता है, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीर के बाद के जो पहले दो नंबर होते हैं वो उस साल को दिखाते हैं जिस साल सेना ने उस वाहन को खरीदा था। यह नंबर 11 अंकों का होता है, यानी इतना बड़ा नंबर बाकी किसी भी तरह की गाड़ियों में नहीं होता है, सिर्फ एरो नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में ही होता है। तो ये 7 अलग अलग तरह के नंबर प्लेट का इस्तेमाल हमारे भारत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारत में परिवहन नियमों को ठीक से लागू करने के लिए और ट्रैफिक पुलिस का काम आसान बनाने के लिए भारत में इस तरह के नियम बनाए गए थे। अब बात करेंगे कि नंबर प्लेट को लेकर भारत सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस तरह के है। तो द सेंटर मोटर व्हीकल एक्ट 1989 सेक्शन 50D में स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ किसी दूसरी लैंग्वेज में नंबर लिखवाता है तो यह एक जुर्म यानी क्राइम है और उसे इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि जो प्राइवेट गाड़ियां होती है उसके बैकग्राउंड को सफ़ेद ही रखा जाएगा और उसके ऊपर काले रंग से नंबर लिखे जाएंगे, यानी जो पर्सनल वाहन होते हैं उनके लिए। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उसका बैकग्राउंड को पीला रखा जाएगा और उस पर भी काले रंग से ही नंबर लिखे जाएंगे। नंबर प्लेट सिंपल फॉन्ट में स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिए। फॉन्ट में किसी भी तरह के डिजाइन या स्टाइल देने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के पिछले प्लेट पर तो नंबर लिखवा देते हैं लेकिन अगले प्लेट पर डॉक्टर, एडवोकेट, जय माता दी या इसी तरह से कुछ और लिखवाते हैं। तो ये भी इल्लीगल है और इस पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और सबसे जरूरी कि गाड़ियों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग जुर्माने तय किए गए हैं। इसलिए अगर आपकी गाड़ी में भी नंबर प्लेट लगाने में कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लें, क्या पता कल को आपको इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और आखिरी सबसे जरूरी चीज कि नंबर प्लेट का मतलब क्या होता है। तो इस नंबर प्लेट को देखें। इस नंबर प्लेट में आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है KA19P8488। नंबर प्लेट पर लिखे हुए हर लेटर या नंबर का एक मतलब होता है। सबसे पहले दो लेटर जो होते हैं, जैसे ये के जो है वो यह बताते हैं कि यह गाड़ी किस राज्य की है। जैसे कि इस नंबर प्लेट पर के लिखा है, इसका मतलब यह गाड़ी कर्नाटक राज्य की है। ऐसे ही दिल्ली की गाड़ियों में DL लिखा होगा, गुजरात की गाड़ियों में GJ होगा, महाराष्ट्र की गाड़ियों में MH होगा। और इसके बाद जो दो नंबर होते हैं वो यह बताते हैं कि यह गाड़ी किस जिले के RTO में रजिस्टर की गई है। जैसे कि इस नंबर प्लेट में 19 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह गाड़ी कर्नाटक राज्य के मैंगलोर जिले के RTO में रजिस्टर की गई है। इसके बाद एक सीरियल नंबर होता है जिससे यह पता चलता है कि इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की डिटेल कंप्यूटर के किस डायरेक्टरी में सेव की गई है। तो इस नंबर प्लेट में जो P है वो उस डायरेक्टरी को दर्शाता है। इसके बाद 4 नंबर होते हैं जो कि यूनिक नंबर होते हैं। ये हर गाड़ी में अलग अलग होते हैं। अगर आप दिल्ली की गाड़ियों के नंबर प्लेट को देखें तो उसमें आपको RTO कोड के साथ एक लेटर भी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अब इस नंबर प्लेट को देखें तो इस नंबर प्लेट में 7 के साथ S लिखा हुआ है। तो ये लेटर यहाँ बताता है कि यह गाड़ी किस टाइप की है। जैसा कि यह S दो पहिया बाइक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, C कार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, P मतलब पब्लिक पैसेंजर गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, R को 3 पहिया रिक्शा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, T को टूरिस्ट लाइसेंस गाड़ियों और टैक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और V को पिकअप ट्रक या वैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि Y को हायर व्हीकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक छोटी सी नंबर प्लेट को लेकर भी सरकार ने इतने सारे नियम बनाए रखे हैं, जिस बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।